वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स लेट यू स्टार्ट विथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नाइन लिविंग ऑर्गेनिज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स ठीक तो ये आपका चैप्टर का नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स जिसमें कि इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स बर्ड्स आर सर्वाइव इन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट सो लेट्स सी हैबिटेट एंड एडाप्टेशन ये भी हमने देखा था कि हैबिटेट और एडाप्टेशन ये क्या होते हैं हैबिटेट को बताया गया था प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट ठीक है द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पे वो रहता है उसको हम कहते हैबिटेट ठीक है उसको कहते हैं हैबिटेट कि जो एनिमल जिस प्लेस पर हो रहा जैसे रैबिट है तो रैबिट बरों में रहता है ठीक है किसी आ, मिट्टी के बरो में या किसी उसमें गड्ढे में या कहीं भी इस तरह से फिर जो डॉग्स हैं वो अपने हैबिटेट में रहते हैं कैट वो अपने हैबिटेट में रहती है तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स अपने अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। हैबिटेट प्लेस। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ ऑर्गे जो हैबिटेट है वो प्रोवाइड करता है फूड वाटर एयर शेल्टर मतलब उसके हैबिटेट के आसपास ये सारी चीजें उसको मिलती हैं। इसलिए वो वहां पे आसानी से रह सकता है सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट ठीक है तो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट मतलब बहुत प्रकार के प्लांट और एनिमल जो है सेम हैबिटेट में भी रहते हैं अब देखिए हैबिटेट कई तरह के हैबिटेट भी होते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ हैबिटेट दैट इज फर्स्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और सेट टू बीव इन टेरिस्टल है मतलब जो प्लांट लैंड जमीन पे रहते हैं धरती पर रहते हैं तो उनको हम कहते हैं टेरिस्ट्रियल प्लांट टेरिस्ट्रियल हैबिटेट जो जमीन पे रहते हैं जैसे कि सम एग्जाम्पल आप दे दे, अब हॉर्स काउ एलिफेंट ये सभी टेरिस्ट्रियल पे रहते हैं जमीन पर रहते हैं कैमल ठीक है तो फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट ये सभी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है ऑन द अदर हैंड द है हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर जो एनिमल वाटर में रहते हैं तो वाटर में जो रहेंगे उनको कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट ठीक है लाइक एक्वेटिक हैबिटेट क्या है लेक्स रिवर्स ओशन सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट सी ठीक है रिवर तो ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट है और इसमें रहने वाले जो एनिमल हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ठीक है एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है देर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट तो ये दोनों में लार्ज डिफरेंस है वेरिएशन है और ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट द दिन बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट किसी हैबिटेट में प्लांट और एनिमल दोनों रहते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट ठीक है जैसे कि कोई पॉन्ड है तालाब तो उसमें एक्वेटिक प्लांट भी रहता है और एक्वेटिक एनिमल भी रहते हैं तो उनको कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक सॉइल एयर वाटर ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं रॉक रॉक एयर एंड वाटर तो ये क्या है ये ए बायोटिक कंपोनेंट है ठीक है तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कहेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड आप जानते हैं कि सीड जो है प्लांट के सीड ग्रो करते हैं लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो तो इसके इफेक्ट एक्टिविटी टू में हम देखते हैं लेट्स सी रिकॉल एक्टिविटी फाइव इन चैप्टर फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट का एक्टिविटी फाइव रिकॉल करिए वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड हमने स्प्राउटेड किया था मूंग चना का सीड वेन द सीड टर्न इंटू अट इच इज सेट टू बी जर्मिनेटेड तो उसको हम कहते थे कि दीज आर द जर्मिनेटेड सीड्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ न्यू प्लांट ये न्यू प्लांट की लाइफ की बिगिनिंग है कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स मूंग सीड का कुछ सीड जो है ड्राई सीड कलेक्ट करिए कीप ट्वेंटी टू थर्टी सीड्स और कलेक्ट करिए ट्वेंटी टू थर्टी सीड्स ए साइड एंड सोक द रेस्ट इन द वाटर मतलब ट्वेंटी थर्टी सीड्स को ए साइड साइड में रख लीजिए और बाकी सीड को सोक कर दीजिए वाटर में नाउ डिवाइड सोक सोक्ड सीड्स इनटू फोर पार्ट प वन पार्ट कंप्लीटली सब मर्ज इन वाटर फॉर थ्री फोर डेज डू नॉट सी मतलब जो, जो भिगोया था उसमें फोर पार्ट बना लीजिए एक को आपको रखना है सनी रूम में मतलब जिस रूम में सनलाइट आती है और एक को वाटर में सब मर्ज कर दीजिए डूबो दीजिए और एक पार्ट को आप डार्क रूम में रख दीजिए तो ये सब जो है अलग अलग तरीके से रख दीजिए कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग ठीक है लास्ट पार्ट को बहुत ही कोल्ड सराउंडिंग में रख दीजिए तो क्या हम देखते हैं वट डू वी सी डू वी डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर वाटर सनलाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट आप देखते हैं कि किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए एयर वाटर लाइट हीट ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट ठीक है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज सभी लिविंग ऑर्गेनिज के लिए ठीक है ना सनलाइट वाटर हीट सॉयल ये सभी जरूरी है वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट ठीक है हम जान पाते हैं वी फाइंड कि ऑर्गेनिज्म वेरी कोल्ड में और वेरी हॉट दोनों क्लाइमेट में रहते हैं एडाप्टेशन एडाप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट एडाप्टेशन एक मेथड है जो कोई ऑर्गेनिज्म जो है उस क्लाइमेट में अपने को एडजस्ट कर लेता है अपने को ढाल लेता है कि उसमें हम जी सके उसमें वो ऑर्गेनिज्म आसानी से जी सके इसको हम एडाप्टेशन कहते हैं ठीक है उस क्लाइमेट को एडाप्ट कर लेता है मीन्स ये है तो इसीलिए कहते हैं एडाप्टेशन एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली एबार ठीक है दो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडॉप्ट टू तो दीज चेंजेस और जो ऑर्गेनिज्म इस चेंजेस को इस एडाप्टेशन को जो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं देन डाई तो वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं एंड ओनली द एडाप्टेड वन सर्वाइव और जो ऑर्गेनिज्म एडाप्ट कर लेते हैं तो वो सर्वाइव कर लेते हैं वो जी लेते हैं ऑर्गेनिज्म अडाप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे और ऑर्गेनिज्म जो एडाप्ट करते हैं विभिन्न प्रकार से एबायोटिक फैक्टर को तो वो डिफरेंट वे बहुत तरीके से वो जी लेते हैं दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट और इस तरह से डिफरेंट हैबिटेट में एक वाइड वेराइटी ऑर्गेनिज्म की मिलती है कि बहुत प्रकार के एनिमल्स सर्वाइव कर कर रहे होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक है ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट अब डिफरेंट हैबिटेट में हम देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंट हैबिटेट में जैसे कि सम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट कुछ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है जिसमें कि डेजर्ट है डेजर्ट में यू नो दैट डेज़र्ट में रेगिस्तान में जो एनिमल है वो जैसे कि कैमल <coughs> uh, ठीक है सम स्नेक्स लिजर्ड एंड स्पाइडर ठीक है तो ये सभी डेजर्ट के एनिमल हैं जो कि उनको वाटर की लगभग जरूरत नहीं होती है बहुत कम जरूरत होती है तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव करते हैं क्योंकि डेजर्ट में वाटर नहीं होता है इसी तरह प्लांट प्लांट में आपको कैक्टस कैक्टस आर हैव नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैक्टस को बहुत ही कम वाटर चाहिए होता है इसलिए वो डिजर्ट में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं ठीक है तो ये डेजर्ट सम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स सो वी आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स वी विल एक्सप्लेन वी विल मीट इन नेक्स्ट डे विद दिस लेक्चर ठीक है आगे के लेक्चर में अब इस टॉपिक को डेजर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो